हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबके लिए एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि हमें अपने एग्ज़ाम के टाइम पर किस तरह से किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। एक एक मिनट का यूज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आपको ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखना है। इसके बाद जिन बच्चों का भी कॉन्फिडेंस इस समय लो है, जो बच्चे डरे हुए हैं, ऑब्वियसली बात है एग्जाम से पहले थोड़ा सा डर तो सबको लगता ही है कि पता नहीं किस तरह का पेपर आएगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उन्हें तो और भी ज़्यादा डर लग रहा होगा कि हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, इतना कंटेंट रहता है पूरी बुक के, एक दिन में कैसे तैयार करें इसको। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, पूरी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैं आपको यहाँ पर किस तरह से गाइड करूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए और कैसे कैसे आपको चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से आप लोगों को सुनना है। और मैं आपके मोटिवेशन के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिनके पास रात उन्हें कौन बड़ी बात। तो हमारे पास अभी तो हर एक पेपर में एक एक रात है, हम प्रत्येक रात को बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज करेंगे अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, अब चीज़ों को ध्यान से सुनना आप लोग। यहाँ पर आपको मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा स्टार्टिंग में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिन बच्चों के भी माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, प्लीज़ करके आप लोग इस नेगेटिविटी को दूर कीजिए कि आपका कुछ तैयार नहीं है, आप पास हो पाएंगे या नहीं। अब मैं सियोरिटी से बोल रहा हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा बस उन बातों का ध्यान रखना, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। क्योंकि डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम टाइम पर ही पढ़ते हैं और उतने टाइम में ही पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जब भी हम पेपर को दे करके आते हैं, लाइक डैट हम कोई भी सब्जेक्ट का पेपर दे करके आए। जैसे कि सपोज हम यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडी का पेपर दे करके आए, अब उसके बाद हम पेपर दे के आने के बाद एनालिसिस करने बैठ जाते हैं, हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन से क्वेश्चन में क्या लिखा था, उसका आंसर हमारा गलत है या सही है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेपर के दौरान आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का एनालिसिस ना करें। चाहे किसी भी यूट्यूबर ने कोई वीडियो प्रोवाइड कर रखी हो पेपर के एनालिसिस की, अभी प्लीज़ करके आप कुछ दिन तक मत देखिए जब तक कि आपके ये एग्ज़ाम सभी कंप्लीट नहीं हो जाते। क्योंकि होता क्या, कई बार अगर हमने कोई क्वेश्चन अच्छा लिखा और बाद में हमें पता चलता है भाई मिस्टेक, वो गलत हो गया था क्वेश्चन, तो हमारे माइंड में वो टेंशन सी बना देता है कि पता नहीं क्या होगा, उसमें नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहीं उसमें बैक ना लग जाए, फेल ना हो जाए। इस तरह की बातें जो होती है माइंड में ऑटोमेटिक आती हैं, हम सोचते नहीं हैं फिर भी आने लगती हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसका एनालिसिस किया, आपको ये पता चल चुका कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया कौन सा गलत किया, तो उसके कारण आपका अगला वाला जो सब्जेक्ट का पेपर है ना, उसे भी पढ़ने में मन नहीं लगता और उसकी भी तैयारी हम ख़राब कर लेते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग एग्ज़ाम के दौरान किसी भी सब्जेक्ट का एनालिसिस ना करें। ठीक है, अब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो मैं खुद भी आपको एनालिसिस करा दूंगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको दे दूंगा, जो पेपर आपका होगा उस पेपर के एनालिसिस का, लेकिन पेपर के बाद करेंगे वो सब चीज़ें। पेपर टाइम पर सिर्फ हमें पेपर दे के आना है, आने के बाद दूसरे पेपर की तैयारी करनी है, बीच में कोई भी एनालिसिस नहीं करना है। ये दो बातें आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, पहली चीज़ नेगेटिविटी को दूर रखना है, दूसरी चीज़ एनालिसिस पेपर के दौरान आपको नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट का। अब सुनिए यहाँ पर स्ट्रेटजी थोड़ा सा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट की स्टडी, मतलब स्ट्रेटजी। ये आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्जाम है, कल से ही आपका पेपर है, कल आपका पहला पेपर है 26 को बिल्डिंग ड्राइंग का, और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए अभी से हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आप लोग बहुत अच्छा करके आए पेपर, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है, अब देखिए 26 तारीख को ये जो पेपर है बिल्डिंग ड्राइंग का, ये पहला पेपर है और पहले पेपर की तैयारी तो हमारी ऑलमोस्ट पहले से ही तैयार रहती है, यानी कि ये सब्जेक्ट तो आपका सबका तैयार होगा। इसमें आपको ना कोई न्यूमेरिकल करना, ना ही थ्योरी याद करनी है, जस्ट आपको ड्राइंग बना के देखनी होती है, तो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो मैं इस पेपर के बारे में कुछ नहीं बता रहा आपको, ये आपका पहले से तैयार है, ऐसा मान के चलता हूँ मैं। अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंट स्टडी से। ठीक है, तो यहाँ देखिए 26 के बाद 28 को है, सिर्फ यहाँ पर आपको एक दिन की छुट्टी मिल रही है 27 को, बाकी सभी पेपर आपके लगातार हैं। अब इस 27 की जो छुट्टी है इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको यहाँ पर पूरा टाइम टेबल बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, हो सके तो आप अपनी कॉपी पर नोट करके बना लीजिएगा। पूरे साल हमने कोई टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं की, बट अब आप मेरे कहने से एक छोटा सा टाइम टेबल क्रिएट कर लें और इसको फॉलो जरूर करें, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए इन्वायरमेंट स्टडी से पहले जो आपका ये 27 का जो छुट्टी है इसको देखो कैसे यूटिलाइज करना है। आप लोग 26 को पेपर दे के आएंगे 9 से 12। ठीक है, 9 से 12 को आप पेपर छूट गया आपका, 12 से आप रूम पे आ गए, रूम पे आकर के थोड़ा बहुत रेस्ट किया, खाना वाना खाया आपने, मैंने मान लिया सपोज आपको एक घंटा उस चीज़ में लग गया। ठीक है, एक घंटा मान लो या दो घंटे मान के चल लो आप। ठीक है, मान लो 2 बजे आप फ्री हो गए पूरी तरह से, मैं फिर भी इस समय हमारा टाइम बहुत कीमती है इसलिए हमें एक घंटे से ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, मान लो 1 बजे, 1 बजे हम स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। इस दिन बता रहा हूँ आपको छुट्टी को समझ के, इस दिन का ये 26 का जो दिन है ना उसको वेस्ट नहीं करना है आपको।
1 बजे से अगर आप स्टार्ट करते हैं, हम लोग रात में लगभग 11 बजे सोते हैं। एग्जाम टाइम पर तो बच्चे 12-12 बजे तक जगते हैं, मिनिमम 11 बजे मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 11 बजे तक आप लोग जग रहे हैं रात को सपोज, तो 1 से लेके 11 बजे तक हमारे पास 10 घंटे का समय है। उसमें से भी मैं आपका 3 घंटे निकाल देता हूँ शाम का खाना पीना खाने के लिए, थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास मैं मानता हूँ केवल 7 घंटे हैं, कितने, एक इस दिन 26 तारीख को हमारे पास 7 घंटे का टाइम है, 7 आवर्स का। इन 7 घंटे को हमें किस तरह से यूटिलाइज करना है इस पर मैं आपको काम बताने वाला हूँ, किस तरह से इसको 7 घंटे का आपको यूटिलाइज करना 26 की डेट में 7 घंटे का टाइम है, इसको कैसे आपको यूटिलाइज करना। देखिए, इन्वायरमेंट स्टडी जो सब्जेक्ट है ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आप अभी पढ़ेंगे एग्जाम टाइम पर, तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लेक्चर दूंगा, सिर्फ 10 मिनट का लेक्चर होगा। इसमें मैं इस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं और 7 के 7 चैप्टर बहुत आसान है, प्रत्येक चैप्टर से 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। उन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास बुक हो या कोई क्वेश्चन बैंक हो या फिर आपने नोट्स तो इसको कोई बनाता नहीं है वैसे, बुक या फिर क्वेश्चन बैंक आपके पास होगी तो आप लोग उससे उन क्वेश्चंस के आंसर तैयार करने हैं, ठीक है। एक ही सिंगल वीडियो देंगे 10 मिनट का, उसका PDF भी दे देंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से आपको क्या करना है, उस PDF को ओपन कर लेना है और अपने बुक को अपने सामने रखना है। आपको इसमें जो 7 चैप्टर है, इसमें 7 चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर का एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, 7 चैप्टर है इसमें, 7 चैप्टर में से इन 7 घंटे में से 4 घंटे आपको इसके 4 चैप्टर पढ़ लेने, कितने 4 चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं इन्वायरमेंट स्टडी के, कब ये 7 घंटे में से 26 को ही बता रहे हैं आपको, ठीक, ये वाले। बाकी जो 3 घंटे का टाइम बचा ये आपको 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ना, 10-5 मिनट बीच में रेस्ट करते रहना, लगातार तो पढ़ भी नहीं पाएंगे आप। तो आपको स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर के मैं क्वेश्चंस दूंगा ना, इन चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर को सिर्फ रीड करना है, रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पढ़ना है एक बार, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है ना, देखो थ्योरी पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप रटने बैठ जाओ तो कभी तैयार नहीं होगा, दूसरा क्या, स्टोरी की तरह से सिर्फ रीड आउट कर लो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो चीज़ों को, कैसे क्या होता है प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, समझ समझ के सोच करके। जैसे मैंने कहा जल प्रदूषण क्या है, तो वहाँ कोई लाइन आपकी लिखी हुई है, जैसे हम जल में कोई भी कचरा हमने डाल दिया वहाँ से प्रदूषण हो गया, तो उसको थोड़ा सोचो क्या ऐसा होता है, तो वो चीज़ें अपने आप माइंड में सेट हो जाती हैं और हमारे माइंड की जो पावर होती है ना बहुत होती है। एग्जाम टाइम पर हमारा जो फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, पूरा का पूरा पेपर पर होता है और उस समय चीज़ें बहुत तेज़ी से रिकॉल होती हैं। अगर हमने कोई चीज़ पास्ट में कभी सुन भी रखी है और वो एग्जाम टाइम पर हमारे सामने आ जाए तो बहुत तेज़ी से माइंड रिकॉल करता है उस चीज़ को, तो उसकी टेंशन आप ना लें, आपका दिमाग उतना काम कर देगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ इसको रीड आउट कर लें, 4 घंटे तक आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर रीड कर लें, 1-1 घंटे प्रत्येक चैप्टर को देंगे तब भी आप 4 चैप्टर में मानता हूँ पूरी तरह तैयार कर लेंगे अच्छे से। बाकी जो 3 घंटे का टाइम बचा 26 की डेट में, इन 3 घंटे में आपको थोड़ा सा HHM पढ़ना है, HHM को इधर भी तैयार, यानी 26 और 27 में आपको दोनों सब्जेक्ट तैयार करने हैं, इन्वायरमेंट स्टडी भी और HHM भी। अब HHM किस तरह तैयार करना है, तो शुरू के जो 5 चैप्टर थे वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में कवर कराए थे, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स वीडियो लेक्चर्स में, तो उनके आप सबने नोट्स बना रखे होंगे डिटेल्ड नोट्स, तो उन नोट्स को आप 3 घंटे रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। केवल 5 चैप्टर तक की बता रहे हैं, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर आपको 26 तारीख को रिवाइज करने हैं इसके HHM के, कितने 5 चैप्टर आपको इसके 3 घंटे पढ़ना है, आपका 26 का डेट हो गई खत्म, ठीक है। आप सो गए, सुबह आपको उठना है 27 को, सुनते रहना, टाइम टेबल बना लेना, सेट कर लेना, 26 में आपको 7 घंटे पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ें आप, जिनमें से 4 घंटे आपको इन्वायरमेंट स्टडी के 4 चैप्टर पढ़ने हैं और 3 घंटे आपको स्टार्टिंग के 5 चैप्टर HHM के रिवाइज करने हैं, क्योंकि हमने वो अच्छे से पढ़ लिए थे शुरू में, इसलिए बोल रहे हैं रिवाइज में टाइम कम लगेगा। अब आपका 27 को आप उठते हैं सपोज, कोशिश कीजिएगा सुबह 5 बजे उठ जाएं, लेकिन 11 बजे सो के 5 बजे नहीं भी उठ पाते, 12 बजे सोते हैं कुछ बच्चे, तो आप क्या करना, 6 बजे तो उठ ही सकते हैं, 6 बजे से लेकर के, क्योंकि 27 को आपका एग्जाम नहीं छुट्टी है, तो 6 से लेकर के लगभग 3 घंटे आप पढ़ लेना 9 बजे तक, ठीक है। लगभग 3 घंटे सुबह में आप पढ़ लेना मॉर्निंग में, 6 से 9 तक 3 घंटे जो आप पढ़ेंगे, उस 3 घंटे में आप HHM के जो 3 सब्जेक्ट बचे थे ना आपके, वो सॉरी 3 चैप्टर जो बचे थे, उन 3 चैप्टर्स को और आप सुबह को पढ़ लीजिएगा इन्वायरमेंट स्टडी के। तो इस तरह से इन्वायरमेंट स्टडी के आप पूरे 7 के 7 चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके, ठीक है, एक बार पढ़ चुके, मैं रिवाइज की बात नहीं किया अभी आपको, एक बार पढ़ चुके इसको सुबह के बज गए 9। अब 9 बजे के बाद आपको क्या करना है, खाना पीना बनाना है अपना, फ्रेश व्रेश होकर अच्छे से लगभग 3 घंटे, मतलब 2 घंटे मान लो, मैं 3 घंटे मान के चलता हूँ, 3 घंटे आपने इस काम में लगा लिए अपने, 12 बज गए। अब 12 बजे आपको फिर पढ़ना है, 12 से आपके पास शाम को 11 बजे तक मान के चलेंगे तो 11 घंटे का टाइम है, जिनमें से शाम के खाने पीने का 3 घंटे का टाइम निकाल दिया आपने, तो 8 घंटे फिर भी आपके पास बचे, पूरे 8 घंटे बचते हैं आपके पास, ठीक है, कितने 8 घंटे जो बचे हैं आपके पास, इन 8 घंटे के टाइम में आपको पूरा टाइम HHM को देना है पूरा,
क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है। और इसमें क्या करना है, जो मैंने आपको लास्ट के 5 चैप्टर्स के जो वीडियो लेक्चर्स दिए हैं जिनमें न्यूमेरिकल और फॉर्मूले वाला पोर्शन है, तो उन न्यूमेरिकल और फॉर्मूले वाले 5 लेक्चर को, हालांकि सिर्फ 5 घंटे के वीडियो लेक्चर हैं, उनको अच्छे से 5 घंटे में आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ 3 घंटे का टाइम बचेगा आपको, उन 3 घंटे में फिर से आप इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 27 को भी आपका टाइम यूटिलाइज हो गया पूरा इन्वायरमेंट स्टडी और HHM का। अब मॉर्निंग में आपका पेपर है सुबह को 9 बजे से, तो आप लोग सुबह को 2 घंटे जरूर पढ़ें सब्जेक्ट को, इन्वायरमेंट स्टडी को, जो आपने 7 के 7 चैप्टर पढ़े थे उनको एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लें और आप इसको पेपर को देने चले जाएँ, ठीक है। तब तक आपने ये पेपर दिया, इधर आपका ये HHM सब्जेक्ट भी शुरू के 5 चैप्टर का रिवीजन और लास्ट के 5 चैप्टर के फॉर्मूले और न्यूमेरिकल वाला रिवीजन हो चुका है। अब आप जैसे ही इधर आएंगे पेपर दे करके, जब आप 27 को पेपर दे के आएंगे 11:30 बजे, यहाँ से फिर से आप 1 बजे या 1:30 बजे स्टार्ट कर लेना पढ़ना। मैं मान के चलता हूँ 2 बजे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अब आपको पूरा टाइम HHM ही पढ़ना है, सिर्फ 2 बजे से शाम तक सुबह तक। उसमें क्या करना, मैं आपको HHM का भी एक सिंगल वीडियो लेक्चर दूंगा 10 मिनट का। इन सभी सब्जेक्ट के लेक्चर आपको पेपर से पहले मिलते रहेंगे 10 मिनट के सिर्फ। उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, उनको आप लोगों को पढ़ते रहना है सिर्फ, ठीक है। फालतू चीज़ें अगर आप नहीं भी पढ़ पाते तो सिर्फ जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहेंगे, उससे आपके चैप्टर भी कवर होते रहेंगे और इंपॉर्टेंट पोर्शन भी कवर होता रहेगा। तो HHM का मैं एक जो लास्ट का वीडियो लेक्चर दूंगा आपको, ये लेक्चर आपका HHM के पेपर से पहले ही मिल जाएगा आपको। जिस दिन ये पेपर देके आएंगे आपको ये लेक्चर तैयार मिलेगा YouTube चैनल पर, ठीक है। तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले को, तो वहां से आपको ये HHM वाला जो इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला पोर्शन है ना, पूरे दिन आप इसको तैयार करना। और मॉर्निंग में जब आप पेपर देने जाएंगे 29 को, उस दिन सिर्फ HHM के केवल फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, थ्योरी वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह की प्रैक्टिस लास्ट टाइम पे करनी मत बैठना, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है पोर्शन, आपको पहले से पता है वो सब चीज़ें। सिर्फ आप फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, अगर हम भूलते हैं तो ज़्यादातर फॉर्मूले भूल जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय, तो आपको ये फॉर्मूले तैयार कर लेने हैं सुबह को, ठीक है। 29 का पेपर दे के आना, फिर आपको अगले दिन डेली का 7-7 घंटे दिन में पढ़ना है। पेपर खत्म होने के बाद चाहे जैसा पढ़िए, आपको 7 घंटे का टाइम तो पर डे निकालना ही निकालना है। अब आपके पास जो HHM के बाद का दिन का 29 तारीख को 7 घंटे का टाइम है, इसमें आप सॉम का पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन करना, ठीक है। इसमें फॉर्मूले वगैरह मत करना अलग अलग से, आप पूरे चैप्टर वाइज रिवीजन करना। ये तो हमने पूरे सेमेस्टर पढ़ा है, ये सबका तैयार होगा, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, इसमें से टोटल जो आपके 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर में से लगभग आप दिन में लगभग 5 चैप्टर कवर कर लीजिएगा, 5 से 6 चैप्टर, बाकी फिर रात में और सुबह में बचे हुए चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना। इस तरह से आपको दिन में 7 घंटे, 2 घंटे सुबह को, 9 घंटे डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ते चलना है, तो सोम का भी आपका रिवीजन ये हो जाएगा, ठीक। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसके भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा, उनके आंसर्स आप तैयार करना। अगले दिन भी आपको 9 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा। फिर सीटी के लिए तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि ये 2 बजे से पेपर शुरू होगा अगले दिन, तो इधर का टाइम बढ़ गया, इधर दोपहर का टाइम भी बढ़ गया, और सीटी तो आसान सब्जेक्ट है, इसे आप तैयार कर ही लेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर मेन मोटिव ये था आपको समझाने का, क्या कि एक तो आपको ये 27 की डेट में जो टाइम बचेगा ना, इसमें दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, इन्वायरमेंट स्टडी को भी और HHM को भी। और इन शॉर्ट में लास्ट में आपसे कहना चाहूँ तो आप लोग ध्यान क्या रखेंगे, पर डे आपको कितना, पेपर खत्म होने के बाद उसी पेपर वाले दिन आपको दिन में 7 घंटे पढ़ना है डेली, कैसे भी करिए। सिर्फ एक हफ्ते की बात है, आप इसके बाद आराम से रिलैक्स करना खूब अच्छे से। 2-3 दिन का गैप करके ही मैं आपकी RCC स्टार्ट करूंगा, आप आराम से टेंशन ना लें, 2 दिन रेस्ट करना आराम से, 3 या 4 तारीख में RCC शुरू करेंगे हम, ठीक। तो 7 घंटे हर एक दिन आपको पढ़ना है अगले सब्जेक्ट को, जैसे इन्वायरमेंट स्टडी का पेपर देके आ गए तो 7 घंटे दिन में HHM पढ़ना है, और सुबह को 2 घंटे मिनिमम, 2 घंटे सुबह को पढ़ना है आपको डेली हर पेपर को देने से पहले। तो 9 घंटे पर डे आपको पढ़ के जाना, 9 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हैं आराम से, किसी भी सब्जेक्ट को पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत होता है 9 घंटे का टाइम। समझ पा रहे हैं सभी लोग, समझ आया ये चीज़, क्लियर है सबको। अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा ना, आपको जब भी ये पेपर खत्म होगा उसके बाद एक बार GTEC पॉली पर आकर चेक जरूर करना, आपको इस अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको दिखाई दे जाएगा, उसको देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करना, उनके आंसर को। हर एक सब्जेक्ट के आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। दूसरी चीज़ जो आपको ये बताई थी, एग्जाम टाइम पर आपको एनालिसिस नहीं करना, तो उस समय नहीं करना है, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं खुद आपको एनालिसिस करा दूंगा प्रत्येक पेपर का, ठीक है। तो क्लियर हुआ सभी को ये चीज़, तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी स्ट्रेटजी समझ आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वे बच्चे भी थोड़े से मोटिवेट रहें। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले किसी वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।